इसमें गाइज है LED और इसमें है हेलोजन वाली लाइट। तो आज देखेंगे नेक्सॉन दोनों हैं अपने पास, किस में कितनी बढ़िया लाइट है। दोनों ही सेम गाड़ी है, इसमें डला है LED जो 130 वाट की है, 5500 केल्विन की, और इसमें हेलोजन। तो दोनों लाइटों में कौन सी बढ़िया होती, क्या रीज़न है कि गाड़ियाँ हेलोजन वाली लाइट देती है और LED क्यों नहीं देती। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में जान जाओगे तो लाइट की मॉडिफिकेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस ये वाली हेलोजन का बल्ब है, हेलोजन का कुछ का पैसा आता है। ये है HID और देख सकते हो इसका बिल्ड कैसा है। तो ये इसमें होती हैं डायोड जो कि इमिट होता है और जलता है, और इसके पीछे इसकी कूलिंग के लिए आपको इसमें फैन मिल जाता है। तो गाइस ये अपनी नेक्सॉन है जिसमें हेलोजन वाली लाइट है, और ये देख सकते हो बिम, और ये लाइट मैं कैमरे से काफी करीब से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे HID है। तो आज वेलकम बैक टू द सुधीर मोटर कार रिव्यू। आप जब भी मॉडिफिकेशन कराने जाते हो तो एक टर्म दिमाग में जरूर आती है, हेलोजन, LED और HID। ये तीन दिमाग में आपके जरूर होगा कि हेलोजन लगाना चाहिए गाड़ी में। बहुत सारी गाड़ी में देखा अमूमन हेलोजन वाली लाइट आती है, और LED बहुत लोग LED सजेस्ट करते हैं HID। तो आज इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि कौन सी आपकी कार के लिए बेटर है और क्या क्या डिफरेंस है। तो लाइट के बारे में जानने से पहले तीन टर्म्स बताऊं आपको, आपने सुना होगा 5000K, 6000K और 65000K। तो ये तीन टर्म्स आप जान लो लाइट में जो जो होता है। एक होता है केल्विन, जो 5000 केल्विन, 55000 केल्विन एंड 6000 केल्विन आपने जो सुना होगा वो होता है। दूसरी टर्म्स की बात करें लुमेंस होता है, आपने देखा 9000, 12000। तो ये लुमेंस क्या चीज़ होता है, उसके बाद आपने सुना होगा वाट क्या होता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में जान जाओगे तो लाइट की मॉडिफिकेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद दिखाऊंगा कि LED की रिस्पांस कैसी है, हेलोजन वाली लाइट की रिस्पांस कैसी है, और साथ के साथ अपने पास HID भी है। तो तीनों का डिफरेंशिएट करूंगा और तीनों का थ्रो भी चेकआउट कराने वाला हूं, तो काफ़ी अच्छे से समझने वाले गाइज। पहले बात कर लेते हैं गाइज केल्विन की। केल्विन क्या होता है, लाइट का टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर इन द वे समझाऊं, जितना ज़्यादा केल्विन होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट तो क्या होगी, वाइट कलर में होंगी, और जितना ही कम केल्विन की लाइट होंगी, जैसे आपने LED के डब्बे पर आपने देखा होगा 6000 केल्विन लिखा रहता है, K लिखा होता है, केल्विन नहीं होता, K होता है, केल्विन होता है वो लाइट का। तो उससे क्या कहते हैं कि उससे लाइट आपकी क्या होगी, वाइट होगी, कूल लाइट होगी। अगर वो लाइट की केल्विन कम होगी, जैसे 5000 केल्विन है वो थोड़ी वार्म वाइट होगी, अगर 43 है तो वो येलोइश होगी। तो ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये लाइट की केल्विन बोलते हैं, और इससे आपकी लाइट का कलर का टेम्परेचर डिसाइड होता है कि आपकी लाइट का कलर क्या होगा, किस कलर के होंगे लाइट। सिंपल वे में है लाइट का कलर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा बढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा लाइट आपकी वाइट कलर में होंगी, कूल होती। मैक्सिमम अभी तक जो देखा होगा आपने रोड पर, या जो ज़्यादा करके लाइट की डब्बियाँ मिलती है उस पर लिखा रहता है 6000K, तो वो समझ जाना कि केल्विन है। अब बात करते हैं जो मेन टर्म्स आता है, जो दूसरा होता है लुमेंस, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, जो इवन जो आपको मॉडिफाई करते हैं उनको भी लुमेंस के बारे में नहीं पता होता है, कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो क्या होता है, लाइट का लुमेंस का मतलब होता है जितना ज़्यादा लुमेंस उतनी ही ज़्यादा लाइट ब्राइट होती है। तो अगर मान लो कि अगर जो अपनी ये हेलोजन वाली लाइट होती है, अगर उसकी लुमेंस की बात करोगे तो वो कम लुमेंस की होती है, इसलिए आप देखोगे वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है। एक लुमेंस कहीं देखोगे 9000 लुमेंस, अगर आपकी जो 55 वाट की जो बल्ब है हेलोजन वाली बल्ब, वो 9000 लुमेंस की होती है अप्रॉक्स। जितना ज़्यादा लुमेंस उतनी ज़्यादा लाइट ब्राइट, सिंपल वे में ये है। तीसरा टर्म्स है वाट, आपने सुना होगा 120 वाट की लाइट है, 130 वाट की लाइट है, 75 वाट की लाइट है। तो आपने ऐसा टर्म मार्केट में ज़रूर सुना होगा, या जाओगे फ्यूचर में आप मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो अपनी गाड़ी के लिए, तो वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपको मैं 120 वाट की LED लगा देता हूँ, 130 वाट की LED लगा देता हूँ, या HID लगा देता हूँ, या हेलोजन लगवा लो, ये वाली बल्ब डालो। तो ये सारे टर्म्स आते हैं। तो जो नया ओनर होता है और जिसको ज़्यादा लाइटों के बारे में नहीं पता, तो उनको थोड़ा सा क्या होता है ना, कन्फ्यूजन सी होती है कि कौन सी लगाए, क्योंकि दुकानदार आपको हर लाइट को अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि ये लगाओ, इसमें लाइटें ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ आज मैं बता दूंगा ना, तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी लाइट आपकी गाड़ी के लिए ज़्यादा सूटेबल है। और लास्ट में दोनों का जो रिजल्ट दिखाऊंगा ना गाइज, वो लास्ट में देखना, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि हेलोजन वाली लाइट कैसी होती है, LED वाली कैसी होती है, और HID सिंपल जलाओगे तो वो वाली लाइट का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपकी गाड़ी में क्या नीड है और आपको कैसे लाइटें मॉडिफिकेशन कराना चाहिए। अब बात आते हैं तीसरे टर्म्स, जिसको बोलते हैं वॉट। वॉट की बात करते हैं, जितना ज़्यादा वॉट मोर पावर कंजम्पशन। अगर 130 वॉट की है तो वो आपकी एनर्जी, गाड़ी की जो पावर सप्लाई है बैटरी से, जो पावर, वो क्या होगा, वो कंज्यूम ज़्यादा करेगा, मतलब
खपत ज़्यादा होगा उससे, उससे कोई वो डिसाइड नहीं होता कि आपकी जो LED या HID होगी वो ज़्यादा ब्राइट होगी। ब्राइट होने के लिए क्या टर्म्स बताया था मैंने, लुमेंस होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में LED देखोगे तो LED 75 वॉट की LED क्या होता है, 12,000 अप्रॉक्स या 14,000 अप्रॉक्स की बात करो लुमेंस की होता है, तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। वहीं दूसरे टाइम पे बात करूँ, अगर मैं 100 वॉट की अगर मैं जलाता हूँ हैलोजन वाली लाइट, तो वो सिर्फ 9,000 अप्रॉक्स होती है लुमेंस में। तो ये क्या होता है, इससे आपकी लाइट की ब्राइटनेस डिसाइड होती है लुमेंस से। तो ये तीन चीज़ समझ गए। अब बात करते हैं कौन सी लाइट बेटर होती है, जो डिफरेंस मुझे बताना था हैलोजन वाली या HID या LED। तो पहले बात करते हैं गाइज हैलोजन की। हैलोजन लाइट कैसी होती है, पहले हैलोजन लाइट देखो। तो गाइज ये वाली हैलोजन का बल्ब है, हैलोजन का कुछ सेटअप ऐसा आता है जिसमें कि हैलोजन वाली गैस डलती है। तो ये इस टाइप की लाइट होती है जो अमूमन आप गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो वाली है, और इससे येलो लाइट निकल के आती है। तो हैलोजन वाली लाइट आप कुछ दे सकते हो। तो गाइज आपने हैलोजन वाली लाइट देख ली। अब हैलोजन वाली जो लाइट आपने देखी है उसका सिंपल कंसेप्ट होता है कि उसमें एक फिलामेंट लगा रहता है, उसमें हैलोजन गैस डाली हुई होती है, और ये वाइडली यूज़ होता है। अगर अमूमन हर गाड़ी में देखोगे ना तो गाइज आपको हैलोजन वाली लाइट मिलती है। बड़ी बड़ी गाड़ी है देखोगे, जो हाई एंड की गाड़ी है वो धीरे 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 LED पे शिफ्ट हो रही है, लेकिन हैलोजन वाली लाइट होती है और ये पीले कलर की देखती है। और हम लोग आदि हो चुके हैं कि ये लाइट येलो कलर की ही आती है और हमारी आंखों को पसंद भी है। ज़्यादा करके पहले की गाड़ियों में या अभी भी जो गाड़ी आती है, जो बेस मॉडल होते हैं, बेस से थोड़ा सा ऊपर होते, वो कंपनी क्या करती है कि हैलोजन वाली लाइट देती है। कोई बहुत ऐसी कंपनी है, जो टाटा नेक्सॉन की बात करूँ, जो टॉप मॉडल की गाड़ी होती है उसमें भी हैलोजन। उसका रीज़न क्या होता है, सबसे चीप एंड बेस्ट होता है हैलोजन वाली लाइट, तो वो कंपनी देती है, कंपनी का उसमें प्रॉफिट होता है, बचत होता है। एक बेनिफिट ये भी है इसका हैलोजन वाली लाइट के, इसको जलाना बहुत सिंपल होता है। AC पावर सप्लाई और DC पावर सप्लाई से भी चला सकते हो। आज से 4-5 साल पहले अपने घर में, हर घर में आपने देखा होगा हैलोजन वाली बल्ब होती थी जिसमें फिलामेंट वायर से लगे होते थे, और आप AC करंट में लगाओगे तो वो जल जाता है। वही सेम कंसेप्ट आपकी गाड़ी में छोटी वाली होती है जो कि DC पावर सप्लाई से चला जाता है। उसके ट्यूब के अंदर क्या होता है, हैलोजन गैस होती है जिससे वो ब्राइट अप होता है, येलो कलर का जलता है। तो ये हो गया गाइज हैलोजन वाली बल्ब। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका खराबी क्या है, ये सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और आपकी गाड़ी के बैटरी पे लोड देती है येलो वाली लाइट, जो कि हैलोजन वाली लाइट होती है। अब बात कर लेते हैं HID। HID क्या है गाइस, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। अब इसको बहुत लोग जेनन लाइट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पहले HID बल्ब देखो तो आप समझोगे। ये है HID और देख सकते हो इसका बिल्ड कैसा है, और इसमें डायरेक्ट जेनन लाइट भी बोलते हैं, इसमें जेनन गैस फिल होता है और ये जेनन गैस ब्राइट होता है धीरे धीरे, और इसका देख सकते हो फिलामेंट बिल्ड काफ़ी अलग है। तो गाइज आपने HID देख लिया कैसा देखने में कैसा होता है। तो क्या होता है, HID जो होता है जेनन लाइट होती है, इसमें क्या होता है जेनन गैस फिल होता है, और ये क्या होता है कि हैलोजन के कंपेयर में अगर बात करोगे तो ये इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। इसका एडवांटेज क्या, लाइफ ज़्यादा होती है और इसको बिना किट के आप नहीं जला सकते, और ये ज़्यादा ब्राइट होती है। तो इसका एक बेनिफिट है कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और इसकी जो लाइट होती है येलो से वाइट होती है, वार्म वाइट होती है लाइट, और कहीं ज़्यादा ब्राइट होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा ग्लेयर करती है, बहुत ज़्यादा ही ये लाइट क्या होती है कि आपको ब्राइट होती है, फैलती है एक तरह से समझ सकते हो। जब भी आपको अगर HID लगाना है, अगर आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर है तो आप HID लगा सकते हो। अगर नॉर्मल हैलोजन वाली लाइट है, नॉर्मल लाइट है जिसमें प्रोजेक्टर नहीं आता, जिसमें प्रोजेक्टर राउंड शेप का नहीं आता, प्रोजेक्टर भी देख लो प्रोजेक्टर कैसा होता है, इस टाइप के अगर नहीं है, प्रोजेक्टर अंदर नहीं आपके हेडलैम्प में, तो आप कभी भी कोई सजेस्ट करे कि आप HID लगा लो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, तो आप मत लगाओ, क्योंकि वो ज़्यादा लाइटें फैलती है। इवन बहुत लोग इस पर चलान भी भर देते हैं, क्योंकि जो ये होता है ना, सामने से जब भी आप आओगे तो आंखों पे ये लाइट चुभती है, तो इसलिए HID बिना प्रोजेक्टर को लोग नहीं लगाते। और लेकिन डिसएडवांटेज है कि ये बिना किट को आप इसे नहीं जला सकते, और इसके लिए सबसे बेस्ट होता है प्रोजेक्टर। देखा होगा अभी से कुछ टाइम पहले जो Type 1 बलिनो आई थी उसमें HID देती थी कंपनी प्रोजेक्टर के साथ, तो उसकी लाइट आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा ब्राइट होता है, और वार्म वाइट टाइप से ही होता है वो लाइट, तो उसे प्रोजेक्टर में ही जलाना प्रेफर किया जाता है, इसलिए HID को लोग लगाते हैं प्रोजेक्टर में। तो ये था HID के बारे में समझ गए आपने। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट LED। LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब पहले LED देखो होता कैसा है। तो गाइस ये है अपनी LED वाली लाइट, और इसकी देख सकते हो आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेंगी, और फिजिकली आप एक बार देखो लाइट की,
तो ये इसमें होती हैं डायोड जो कि इमिट होता है और जलता है, और इसके पीछे इसकी कूलिंग के लिए आपको इसमें फ़ैन मिल जाता है जो कि आपकी एलईडी को हीट होने से बचाता है और इसका इंस्टेंट ब्राइटनेस आता है। तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कार में लगने के बाद क्या रिस्पॉन्स है, कैसा आउट लुक आता है और आपके हेलोजन वाले का थ्रो कैसा आता है, तो दोनों को आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो गाइस आपने एलईडी देख लिया, अब ये क्या होता है, जब भी आप इसको पावर दोगे, इसके इसको क्या करोगे, जैसे आप पावर दोगे तो ये बर्न होता है और उसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखोगे एलईडी के पीछे फ़ैन लगे हुए थे उसके हीट को ऑब्जर्व करने के, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि लेस पावर कंजम्पशन, सबसे कम पावर कंज्यूम करता है एलईडी। और धीरे धीरे जो हम लोग हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, धीरे धीरे एलईडी की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रीट लाइट की बात कर लो, चाहे गाड़ी में लाइट देख लो, जो मैक्सिमम गाड़ियाँ आने लगी है एलईडी के साथ आती है। बेस मॉडल में दे देते हैं हैलोजन कॉस्ट कटिंग के लिए, थोड़ा सा कॉस्टली होती है हैलोजन के कंपेयर में कॉस्टली होती है, लेकिन अब इतना ज़्यादा इसका मार्केट में डिमांड है कि धीरे धीरे सस्ती भी मिलने लगी है एलईडी। तो ये बेनिफिट होता है, और इसका क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स है, आपने ऑन किया और एचआईडी के कंपेयर में तुरंत ब्राइट अप होती है, और इसके लाइट फैलते भी नहीं है। आप प्रोजेक्टर में लगा सकते हो, नॉन प्रोजेक्टर में लगा सकते हो, लेकिन इस पर क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है कि कितने केल्विन की लाइट चाहिए, आपकी डिमांड क्या है। इसका एक डिमेरिट है कि बैड वेदर में जहां बारिश होती है वहां एलईडी लाइट आपकी थोड़ी सी फीकी पड़ती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये होता है एलईडी, और ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि ये आपके बैटरी को पावर कंजम्पशन सबसे कम करता है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए, अब सीधा फटाफट से आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कि एलईडी वाली लाइट कैसी जलती है। और दोनों ही गाड़ी गाइस नेक्सॉन है, तो पहले दिखाते हैं कि हैलोजन वाली लाइट कैसी है, उसके बाद आपको एलईडी के थ्रो दिखाऊंगा, तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी लगाना चाहिए। और माइंड में हमेशा रखना कि केल्विन से ही आपके लाइट का टेम्परेचर डिसाइड होगा, और जितना ज़्यादा लुमेंस होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट ब्राइट होगी। तो चलिए दिखाते हैं प्रैक्टिकल। इसमें गाइज है एलईडी और इसमें है हैलोजन वाली लाइट, तो आज देखेंगे नेक्सॉन दोनों हैं अपने पास, किस में कितनी बढ़िया लाइट है। दोनों ही सेम गाड़ी है, इसमें डला है एलईडी जो कि 130 वाट की है, 5500 केल्विन की, और इसमें हैलोजन। तो दोनों लाइटों में कौन सी बढ़िया होती है, क्या रीज़न है कि गाड़ियां हैलोजन वाली लाइट देती है और एलईडी क्यों नहीं देते, तो दोनों का एक बार डिफ्रेंशिएट आपको दिखाने वाला हूँ। दिखाते हैं अभी दोनों का नाइट का रिस्पॉन्स देखना अभी। तो गाइज़ ये अपनी नेक्सॉन है जिसमें हैलोजन वाली लाइट है, और अभी देख सकते हो लो बीम में भी येलो वाली लाइट आपको दिख रही है, येलो वाली लाइट। और मैं हाई बीम दिखाऊं, हाई बीम में भी येलो वाली लाइट है, एक बार दिखाऊं। अस ठीक, अगर नीचे देखो फॉग लैंप के अंदर भी हैलोजन वाली लाइट लगी हुई है। तो क्या होता है ना, जब आप गाड़ी की बाहर से देखोगे हैलोजन वाली लाइट तो आपको ब्राइट दिखेगी, लेकिन जब आप इनसाइड से देखोगे, जब गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठोगे, तो ये लाइट कम लगेंगी। तो एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ, फिर एलईडी वाली को अंदर से दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा कि वो कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, और साथ के साथ अपने जो फॉग लैंप में एचआईडी है प्रोजेक्टर के साथ उससे भी। तो एक बार इनसाइड से देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है। तो गाइस अभी देखो इनसाइड में अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसको, उसके बाद अब इस गाड़ी की आप लाइट देखना रोड पे, अभी तो मैंने पार्क किया था, तो हैलोजन वाली का व्यू आप अभी देख पा रहे होंगे। हाई बीम में साथ के साथ यहाँ मैंने फॉग लैंप को भी जला रखा है, तो ये कुछ ऐसा आपको स्ट्रीट में व्यू मिलेगा हैलोजन का। ये देखो लो बीम और ये हाई पे, ये बिल्कुल सुनसान सा है। तो आपको देखो ये लाइट अभी लग रहा होगा कि ठीक है, नॉर्मल है जो कंपनी दे रही है, लेकिन जैसे आप गाड़ी की स्ट्रीट लाइट में आओगे, थोड़ी सी लाइट होंगी या वैसा वेदर होगा, तो हैलोजन वाली लाइट छुप जाती है। वो भी एक कंडीशन दिखाऊंगा, तो फुल प्रैक्टिकल देखो गाइस, और साथ के साथ वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहना, ये ताकि हर किसी के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और आप लोग चैनल को भर भर के प्यार दो। अब मैं ये तो बिल्कुल डार्क प्लेस पे दिखा रहा हूँ, अब एक बार स्ट्रीट पे देखना ये हैलोजन वाली लाइट कैसी रिस्पॉन्स करने वाली है। और गाइस देखना अभी ये लो बीम में, लो बीम में क्या होगा, लाइट आपको समझ नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी की लाइट है स्ट्रीट है, हाई वाली थोड़ी सी समझ आती है हैलोजन की। ये देखो ये है, थोड़ा सा डल सा हो रहता है येलो कलर में, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि बैड वेदर में ये वाली लाइट ज़्यादा विजुअल होती है कंपेयर टू एलईडी और एचआईडी। तो इसका प्राइस, ये अपना एलईडी हो गया जो कि 5500 केल्विन, और इसमें आपको एचआईडी भी मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो इस वाले प्रोजेक्टर में एचआईडी लगा है, ही देख सकते हो बिम। और ये लाइट मैं कैमरे से काफ़ी करीब से दिखा रहा हूँ, और ये लाइट आपकी आंखों पे नहीं लगेगा, इवन सामने से जो बंदा है उसके आंखों पे भी नहीं लगने वाला। और ये जो रोशनी है गाइस इसकी है वार्म वाइट, साथ में मेरा नीचे का प्रोजेक्टर है जिसमें मैं एचआईडी डाला हूँ, और हाई और लो बीम में दोनों में 130 वाट की जिमर की 5500
100 केल्विन की, जो कहते हैं 5500 केल्विन, उसकी मैंने एलईडी डाला था। तो गाइज अभी देख पा रहे हो इसका बीम बिल्कुल लेज़र वाली है। और इस लाइट का बेनिफिट क्या है गाइज कि सामने से जो बंदा है, जो सामने की गाड़ी आएगी उसकी आंखों पे नहीं लगा। ऑन कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो इसकी बीम काफ़ी डायरेक्शनल है, इसकी आउटपुट काफ़ी अच्छी है और ये वार्म वाइट है। और आपको सामने थ्रो दिखाता हूँ, अभी देख सकते हो लो बीम में इसकी आउटपुट देखो, एक बार हाई बीम ये देखो गाइज, हाई बीम में इसकी विजिबिलिटी देखो, आपकी रोड की विजिबिलिटी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। और साथ के साथ यहाँ प्रोजेक्टर का बीम भी बन रहा होगा, जबकि डब्ल्यू शेप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और एक बार मैं सामने से हाई बीम में भी दिखाऊँ, आप हाई बीम में भी आप कैमरे से देख पा रहे होगे कि इसकी जो थ्रो है बिल्कुल रोड पे है और हल्का सा वार्म वाइट है, बिल्कुल 6000 केल्विन वाली नहीं है। और गाइज ये देख सकते हो नाइट में अगर आप बिल्कुल सुनसान रास्ते पे हो तो आपकी एलईडी कैसे परफॉर्म करती है। देखो ये हाई बीम है और मैं आपको दिखाऊँ एक बार, और लो बीम भी करके दिखाता हूँ, देखना हाई बीम कहाँ जा रहा है उस ट्री पे। ये लो, ये हाई, ये लो, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा एक बार। तो गाइज आप लोग बोल रहे थे कि रात में कैसी हेडलाइट है इसकी हाईवे पे, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो मैं हाईवे पे ही हूँ और अभी देखो कैसे सुनसान सा रास्ता है, आपको पता चल रहा होगा। और हाईवे पे कुछ आपको एलईडी जो 5500 केल्विन है उसकी रिस्पांस आपको ऐसे दिखने वाली, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस है, ज़्यादा वाइट भी नहीं है कि आप लोग नहीं देख पाओगे, सामने देखो सब कुछ दिखेगा। तो ऐसा है इसका रिस्पांस हाईवे पे। यहाँ पे एचआईडी है, तो आज तीनों का डिफरेंशिएट बता रहा हूँ। एचआईडी क्या होगा कि हीट होते होते धीरे धीरे काफ़ी अच्छा रोशनी करता है। और एक बार सिर्फ मैं एचआईडी चला के दिखाऊँ, अभी ये देख सकते हो हाई बीम में है, हेलोजन प्लस एचआईडी, अभी देख रहे हो जो थ्रो। अब एक बार मैं देखो, ये सिर्फ अपना फॉग लैंप है, ये देखो एचआईपीएच का है इसका बीम, ये सामने देखो। वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना, ताकि कार से रिलेटेड बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।